दोस्तों आज के इस वीडियो में इस पाकिस्तानी ने अपनी आपबीती बयां की है कि ये अपनी प्रेमिका के इंतजार में कैसे पिछले 7 दिनों से इसी सड़क पर खड़ा और वो इसके दोस्त के साथ ही भाग गई। तो दोस्तों वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला, इसे आखिर तक जरूर देखना और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दे देना। हाँ, ये हमारे जो रेगुलर वीडियोज होते हैं उस टॉपिक से थोड़ा हटकर जरूर है, पर वीडियो मजेदार जरूर है। तो चलो अब वीडियो देख लेते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के आखिर में, इसमें डिटेल में कुछ और बातें करेंगे। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसे नाकाम आशिक से जो पिछले एक हफ्ते से लिबर्टी मार्केट में बस स्टॉप पे खड़े हैं। इनकी गर्लफ्रेंड ने इन्हें कहा था कि हम आएंगे इसी स्टॉप पे और हम लोग जाएंगे डेट पे, लेकिन ये साहिब यहाँ पर तभी से आगे खड़े हैं लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड आज तक नहीं आई। तो आइए जानते हैं मजीद इनसे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? बस आज सही नहीं है। आजकल तो वाकई में सही नहीं होगा आपका हाल। क्या नाम है आपका? नुमान। अच्छा नुमान, मुझे बताएं आपकी यहाँ पे खड़े होने की क्या वजह है? जी मैं हफ्ते की जो शाम से है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, खड़ा भी हूँ, बैठ भी जाता हूँ, इसी इंतज़ार में हूँ कि परी आएगी। परी जो है मेरी जो महबूबा है उसका नाम है, मैं उसका असल नाम भी डिस्क्लोज करना चाह रहा हूँ। आप उसे प्यार से कहते हैं परी? जी मैं उसको प्यार से परी कहता हूँ। ये है कि 2016 से 2020 तक हम साथ पढ़े हैं एक ही यूनिवर्सिटी में। 2016 से 2020 तक जितनी भी डिग्री, पूरी डिग्री की उसकी फ़ीस मैंने दी है जो कि 6 से 7 लाख रुपया बनती है, ठीक है। इसके अलावा उसको मैंने अपना लैपटॉप बेच के 1,20,000 रुपये की स्कूटी भी लेके दी, ठीक है। जैसे ही डिग्री ख़त्म हुई उससे जो है वो मिलना बहुत कम कर दिया और अब जो है हमारा प्लान बना था सैटरडे की शाम का कि वो हम आएंगे ज़रा घूमेंगे बाहर और थोड़ा रिश्ते वगैरह की बात करनी थी, मैंने कहा रिश्ता लेके जाना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाम को जब मैं इधर आया तो मैंने उसको कॉल करने की कोशिश की, उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ था। कोई वजह आपको पता नहीं लगी कि क्यों वो नहीं आया आपकी पड़ी? वजह मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं आती, मेरे नहीं ख्याल से मैंने कुछ ऐसा किया होगा कि जो वो मुझे छोड़ दे। मैंने तो उसके लिए जान भी देने को अभी भी तैयार हूँ कि वो जब आएगी जो कहेगी मैं करूँगा। वजह मुझे समझ नहीं आई अभी तक कि वो क्यों नहीं आ रही। उसका बेसिकली जो है अभी रिश्ता हुआ है। किसके साथ रिश्ता हुआ है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ उसका रिश्ता हुआ है। तो आपके बेस्ट फ्रेंड ने भी आपको धोखा दिया, आपकी महबूबा ने भी आपको धोखा दिया? नहीं, बेस्ट फ्रेंड को आप धोखेबाज नहीं कह सकती क्योंकि बेस्ट फ्रेंड के जो है वो घर वालों ने जो है रिश्ता किया है, तो मैं बेस्ट फ्रेंड को मैं कुछ कसूरवार नहीं ठहरा रहा। लेकिन लड़की की भी जरा सहमति होती है ना, अगर वो ना मानती तो ये रिश्ता ना होता। मेरा 6 से 7 लाख रुपया लगा है और मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तो आप उसकी फीस देते थे, तो आप अपनी फीस का क्या करते थे? देखिए मैं डबल ड्यूटी करता था और मैं अपनी फीस भी पे करता था, उसकी फीस भी पे करता था। मुझे जो अपनी फीस है वो घर वालों से मिलती थी, बेसिकली वही फीस मैं उसकी देता था और अपनी फीस मैं जॉब करके डबल शिफ्ट लगा के और फीस देता था। कितने सालों से ये आपका महबूबा और रोमियो वाला चक्कर चल रहा है? देखिए 2016 से अब 2021 आ गया, 20 तक तो बिल्कुल सही रिलेशन था, ये जो साल आया है उसमें थोड़ा जो है वो मिलना भी कम कर दिया, उसने बहानेबाजी शुरू कर दी। अब उसके अलावा मुझे समझ नहीं आया कुछ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हाँ मुझे पास भी ला के मेरे बाल सहलाती थी, साथ मुझे कहती थी कि तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरें ना फेरो, तुम मेरे हो मेरे तुम, और अब ये सब हो गया। अब ये तो ये हिसाब हो गया ना आपका कि गालिब इश्क ने मुझे निकम्मा बना दिया, क्या यही हिसाब? निकम्मा तो नहीं कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में बहुत जो है चीज़ें मैं कर सकता हूँ अभी भी, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा। बस मैं एहतजाजे नहीं इधर खड़ा हूँ, जब तक वो नहीं आएगी मैं खड़ा रहूँगा, चाहे साल ना आए 2 साल ना आए मैं खड़ा। उसके साथ डेट पे 6 से 7 लाख रुपया कोई छोटी रकम नहीं है। मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट होते हुए मैंने जॉब की और पैसे दिए, ये कोई छोटी रकम नहीं है मेरे लिए। ये 4 सालों में आप कह रहे हैं उसके साथ रिलेशनशिप था, आप उसके साथ कभी डेट पे गए? नहीं डेट पे हम जाहिर बात है 4 साल बिल्कुल साथ पढ़े हैं तो हर दिन डेट ही होता था मेरा, काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं उसके लिए गिफ्ट लाया था, इसमें है बाय द वे का सूट है, मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि उसको बाय द वे का जो ब्रांड है वो बहुत पसंद है। उसके अलावा मैं इयर रिंग भी लाया था उसके लिए, ये बाय द वे की मैं शर्ट लाया था उसके लिए, ये देखें ये तब की ऐसी पड़ी हुई है और ये मैं उसको ही दूंगा, जो मर्जी हो जाए उसको ही दूंगा, चाहे वो होती है मेरी नहीं हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसको ही दूंगा। ये मैं इयर रिंग्स लाया था उसके लिए, ये मैंने उसको ही देना है। सोने की इयर रिंग्स है? नहीं सोने की तो नहीं है, वो इतना खा गई है कि अब सोने के मैं काबिल नहीं रहा सोने की चीजें लेने के। या कौन सी याद आपको सताती है उसे जो आपको सोने नहीं देती? बस
क्या बताऊँ आपको, वो मेरे अपने हाथों से मेरे लिए जिंगर बर्गर बना के लाती थी। उसको पता है मुझे जिंगर बर्गर बहुत पसंद है, बर्गर बॉय नहीं हूँ मैं, लेकिन उसको पता है मुझे जिंगर बर्गर बहुत पसंद है। और अब मुझे हफ्ता हो गया, मैं डेली जिंगर बर्गर एक ना एक खाता था, मुझे हफ्ता इधर होने वाला है, मैंने अभी तक कोई जिंगर नहीं खाया। इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे एक चाचा है रेडी लगाता है, वहाँ से मैं हफ्ता हो गया दाल खा रहा हूँ, मैंने दाल कभी नहीं खाई जिंदगी में, वो इतना प्यार करते हैं मुझे, रोज दाल खिला रहे हैं। उससे अच्छा तो मैं फिर लड़की से अच्छा यही कहूँगा, ये इधर भाई बैठा हुआ है, इसको मैंने एक दिन खाना खिलाया साथ, ठीक है, नशा ही है, और वो मेरे से हर 10 मिनट बाद पूछता है भाई तूने खाना खाया पानी पीना है, उससे तो वफादार फिर यही निकला है। मीटअप कि हाँ, मीटअप करने जाता था, नहीं उससे पहले कभी पैसे नहीं देने दिए, एक ही बार उसने बस स्लश पिलाई थी मुझे, वो उसके पैसों की जो कि 30-50 की आ जाती है, वैसे तो जब भी मीटअप हुआ मैंने खर्चा किया। वो स्लश आपको महंगी पड़ गई जो आपका 7 लाख लेके वो भाग गई। लेकिन 6-7 लाख के पीछे 30-40 कहाँ से महंगे पड़े, वो बस क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आप वो आपके फ्रेंड्स के साथ जो है वो शादी करी है, तो आप उसको क्या कहेंगे, अपने फ्रेंड से मिलना छोड़ देंगे? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा फ्रेंड से मिलना, मैं पहले तो मेरी बात हुई है अभी उसकी उससे, तो वो कह रहा है यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, घर वालों का प्रेशर है मेरे पे। अच्छा, अब उसकी शादी हो जाएगी आपके दोस्त के साथ, जब कभी वो आपसे मिलेगी तो वो आपको क्या कहलवाएगी अपने बच्चों से? नहीं, पहली तो भी ये बात है कि मैं इस डर से मिलूंगा ही नहीं, क्यों कहीं वो मुझे मामू ही ना कह दे। मामू? हाँ मामू। नहीं, मैं नहीं मिलूंगा उससे, बस यही है, इधर अगर आ गई तो ठीक है, वरना फिर नहीं। मामू वाली बात तो आपने सही की है, लेकिन आप अपने दोस्त से भी मिलना छोड़ देंगे इसी डर से? नहीं नहीं, दोस्त से तो मिलना नहीं छोड़ूंगा, अगर वो मिलेगा तो मिलेंगे। तो आप में क्या खामी थी जो वो आपके पास नहीं आई? आप बताएं मुझ में क्या खामी लग रही है। मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा, सिर्फ पतले हैं। पतले होने से क्या दिल छोटा हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। फिर दिल तो बड़ा है ना, इंसान का दिल देखा जाता है, फिजिक नहीं देखी जाती। जी बिल्कुल। पतली तो आप भी हैं वैसे। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे एक नाकाम आशिक। अगर इनकी महबूबा मुझे देख रही है तो मैं इनसे यही कहना चाहूंगी, चाहे वो इनसे शादी ना करे, चाहे इन्हें मुंह भी ना लगाए, वो इनके दोस्त से शादी कर ले, चाहे मेरे भाई से शादी कर ले, लेकिन एक दफा आके इनसे जरूर बात कर ले, इनका मसला जरूर सॉल्व करे, ताकि ये नौजवान अपनी जिंदगी को आगे लेके चले, अपने फ्यूचर को, अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। अब मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को यही कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इनके वीडियो इनकी महबूबा तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आई होप आपने वीडियो तो देख लिया होगा और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो दोस्तों, अब इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में ये जो पाकिस्तानी है, इसने अपनी आपबीती बताई है, और जिस चीज़ को दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा कि कैसे ये उसके इंतजार में पिछले एक सप्ताह से इस सड़क पर खड़ा। हाँ, इस चीज़ का नहीं पता कि ये सच बोल रहा है या ऐसे ही फेंक रहा है, पर इसकी बातों से तो ये चीज़ें सच लग रही हैं। पर दोस्तों, जो भी हो, ये जो स्टोरी है ये बड़ी फैंटास्टिक है कि ये इस सड़क पर उसका इंतज़ार करते हुए कैसे खड़ा रह गया और उसको इसका जिगरी दोस्त ले गया। और ये जो लड़का ये इस महिला रिपोर्टर को बताता है कि इन्होंने तो आपस में रिश्ते तक की बात कर ली थी, और अब वो अपने जो फैमिली मेंबर्स थे उनको आपस में मिलवाने जा रहे थे, पर जिस दिन ये काम होना था, यानी जो इनके फैमिली मेंबर्स थे उनको एक दूसरे से मिलवाना था, उसी दिन उस लड़की ने इसको ब्लॉक कर दिया। और वो पहले जगह बता चुकी थी कि हम कहाँ मिलेंगे, और वो जगह यही वो सड़क है जहाँ पे ये पिछले 7 दिन से खड़ा। और फिर इसको कुछ दिन बाद पता चला कि उसका रिश्ता तो इसके बेस्ट फ्रेंड के साथ हो चुका है। और फिर ये इस घटना से पहले की चीज़ें भी बताता है कि इसने कैसे अपना खुद का लैपटॉप बेचकर उसको 1,20,000 की स्कूटी लेकर दी, और उसको जैसे ही स्कूटी मिली उसने कॉल्स करना भी कम कर दिया, और मैं उसके लिए डबल ड्यूटी करता था ताकि मैं खुद की भी फीस पे कर सकूं और उसकी भी फीस पे कर सकूं। और कहता कि मेरी फीस तो मुझे घर वाले देते थे, पर मैं उस फीस के पैसे से उसकी फीस पे कर देता था, और मैं मेरी फीस के लिए अलग से काम करता, और ये जिस दिन मिलने वाले थे ये उस दिन उसके लिए सामान भी लेकर आया था, और वो सामान अभी तक इसके पास है जो इस वीडियो में ये दिखाता भी है, जिसमें ड्रेस, इयर रिंग्स और काफ़ी सामान है। और कह रहा है कि मैं ये सामान है ये उसी को दूंगा, और फिर बताता है कि मुझे कैसे बर्गर्स पसंद थी, और उसके चक्कर में अब मुझे 7 दिन हो गए हैं, मैंने बर्गर चखी तक नहीं है, मैं 7 दिन से यहाँ पे एक रेहड़ी पर से दाल रोटी खा रहा हूँ। और फिर ये रिपोर्टरी से लड़के से पूछती है कि आप अब अपने दोस्त से जिसे उसकी शादी होने वाली है उसे मिलना ही बंद कर देंगे? तो ये कहता है कि इसमें मेरे दोस्त की गलती नहीं है,
उसके ऊपर उसकी फैमिली मेंबर्स का काफ़ी दबाव है। और फिर ये रिपोर्टर इसकी थोड़ी चुटकी लेते हुए पूछती है कि अब आपके दोस्त के जो लड़के होंगे वो आपको मामू कहकर बुलाएंगे या क्या? तो फिर ये लड़का कहता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं तो मुझको मामू कैसे बुलाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर बताना। हाँ, ये वीडियो था, ये हमारे जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं उनसे थोड़ा हटकर जरूर था, पर आई होप आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। और अब जो और वीडियोज़ आएंगे वो हमारे रेगुलर टॉपिक्स पर ही आएंगे। जैसे रेगुलर दिनों में आते हैं तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है उसे याद करके प्रेस कर देना, ताकि मैं अगली बार जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर चला जाए, क्योंकि बहुत बार यूट्यूब है वो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेजता। तो बेल आइकन याद करके प्रेस कर लेना, और जब आप बेल आइकन प्रेस करो तो उसमें आल पर भी सिलेक्ट कर देना, ताकि ये चीज़ कन्फर्म हो जाए कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक जरूर दे देना, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और नए और मज़ेदार वीडियोज़ के साथ।